अगर मैं आपसे कहूं कि आपके बैंक में जितना भी डिपॉजिट किया हुआ पैसा है, जितनी भी आपकी सेविंग्स है जिंदगी भर की, ऐसा कीजिए वो बैंक को दे दीजिए। क्योंकि क्या है ना, बैंकों ने असल में विजय माल्या जैसे लोगों को लोन दे रखा है, जो लोन वापस चुका नहीं पा रहे हैं तो वो अब बैड लोन्स बन चुके हैं, एनपीएस बन चुके हैं, और अगर उन्हें पैसा वापस नहीं मिलेगा तो बैंक डूब जाएंगे, और बैंक डूब गए तो हमारी इकोनॉमी डूब जाएगी। तो हमारी इकोनॉमी को बचाने के लिए, हमारे देश को बचाने के लिए आप इतना तो कर ही सकते हैं ना, देशभक्ति समझ के कर लीजिए। आप लाइन में भी खड़े हुए थे तो इसे भी वैसे ही कर लीजिए। और वैसे भी हमारे सियाचिन में जवान लड़ रहे हैं, ठीक है ना, और अगर आप नहीं कर सकते तो चले जाइए पाकिस्तान, एंटी नेशनल एजेंट। दोस्तों, इस चीज़ को कहते हैं बेल इन। अगर आपका डिपॉजिट किया गया पैसा, बैंक के कस्टमर्स के द्वारा डिपॉजिट किया गया पैसा डूबते हुए बैंक को बचाने के लिए यूज़ होता है, तो इस चीज़ को बेल इन कहते हैं। और जल्द ही इसमें आपकी कोई मर्जी नहीं रहेगी, चाहे आप ये करना चाहें या ना करना चाहें, आपका कितना पैसा यूज़ किया जाएगा बैंक को बेल इन करने के लिए, अब ये सरकार डिसाइड करेगी। एक ऐसा ही बिल पास होने वाला है पार्लियामेंट में इस विंटर सेशन पे, जिससे ये लॉ बन जाएगा। अभी तक क्या था, अगर कोई भी बैंक डूबता है तो मिनिमम आपके 1 लाख रुपए इंश्योर्ड है। ये मिनिमम इंश्योरेंस अमाउंट है जो कि एक 1962 के लॉ ने डिसाइड किया था। या अगर आपके 10 लाख रुपए हैं आपके बैंक में और वो बैंक डूब गया, तो कम से कम आपको 1 लाख रुपए तो वापस मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन जब ये बिल पास हो जाएगा, उसके बाद गवर्नमेंट डिसाइड करेगी आपको कितने पैसे वापस मिलने चाहिए। कोई मिनिमम इंश्योर्ड अमाउंट नहीं है इसमें। गवर्नमेंट चाहे तो आपको 2 लाख रुपए दे सकती है वापस 10 लाख के, या तो आपको 1 रुपया वापस दे सकती है 10 लाख के। फाइनेंशियल रेजोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल, FRDI बिल, ये क्या प्रपोज करता है? अभी तक क्या था, RBI के पास पावर्स थी कि वो ये डिसाइड करे कि बैंक को कितना डेप्थ है, उसको कैसे हैंडल करना है। लेकिन ये बिल प्रपोज करता है कि एक नई कॉरपोरेशन बनाई जाए, जिसका नाम होगा रेजोल्यूशन कॉरपोरेशन, जिसको पावर्स दी जाएंगी ये सब डिसाइड करने की, कि अगर बैंक डूब रहा है तो उसे बेल इन किया जाए कि नहीं किया जाए, तो और डिपॉजिटर्स का जो बैंकों में पैसा है उनको कितना वापस दिया जाए, ये सब ये रेजोल्यूशन कॉरपोरेशन डिसाइड करेगी। और इस रेजोल्यूशन कॉरपोरेशन बोर्ड को कौन कौन हैंडल करेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ये 11 लोगों की टीम होगी, जिनमें से एक चेयरमैन होगा, एक फाइनेंस मिनिस्ट्री का आदमी होगा, एक RBI का आदमी होगा, एक SEBI डिपार्टमेंट का आदमी होगा, एक IRDAI डिपार्टमेंट का आदमी होगा। 3 फुल टाइम लोग अपॉइंट किए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और 2 इंडिपेंडेंट मेंबर्स अपॉइंट किए जाएंगे, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो 11 में से 6 लोग जो हैं उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में आते हैं वो। तो बेसिकली ये जो रेजोल्यूशन कॉरपोरेशन होगा, ये बेसिकली गवर्नमेंट कंट्रोल एक बोर्ड होगा जो डिसाइड करेगा कि आपको कितने पैसे आपके वापस मिलने चाहिए अगर बैंक डूबता है तो, और बैंक डूबता है तो उसे बेल इन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्लॉज 52 जो है इस बिल का, वो कहता है कि रेजोल्यूशन कॉरपोरेशन कैन कैंसिल, मॉडिफाई और चेंज द लायबिलिटी ओन्ड बाय अ बैंक एंड इट्स लॉस रिटन बैलेंस शीट। तो आपका जितना भी डिपॉजिट अमाउंट है वो उसको फिक्स डिपॉजिट में चेंज कर दे, उसे लॉक कर दे कि अगले 5 साल तक आप उस डिपॉजिट को बाहर नहीं निकाल सकते, उसको पूरी तरह से ही बेल इन के लिए यूज़ कर ले। ये सारी पावर्स रेजोल्यूशन कॉरपोरेशन बोर्ड के पास होंगी, वो डिसाइड कर पाएगा। तो एक लाइन में समराइज करके बताया जाए तो ये बिल पावर देता है सरकार को आपके बैंक अकाउंट में जितना भी पैसा है उसको कैसे हैंडल किया जाए, ये सरकार के ऊपर है। अब उसको बेल इन के लिए यूज़ किया जाए, उसको फिक्स डिपॉजिट में चेंज करा दिया जाए, उसको कैसे करा दिया जाए, कुछ भी कर दिया जाए, अब ये सरकार डिसाइड करेगी। और ये चीज़ काफ़ी खतरनाक है, क्योंकि सरकार को आप सारी अथॉरिटी दे रहे हो, सरकार पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हो। और अगर आप इस गवर्नमेंट की पिछली स्टेप्स देखोगे, पहले एक जन धन योजना थी कि गरीब लोगों से बैंक अकाउंट खुलवाओ सबसे पहले, उसके बाद डीमोनेटाइजेशन आई कि जितना भी लोगों के पास कैश वैश पड़ा है सबको बैंकों में जमा करा दो, और अब ये बिल आ रहा है जिससे कि बैंक अकाउंट में अब जितना भी पैसा है वो सरकार के कंट्रोल में है। टैक्स का पैसा तो छोड़ो, आपका नॉन टैक्स पैसा जो आपका खुद का राइट है, जिस पे जो आपने सेविंग्स करके कलेक्ट किया है, अब उस पे भी सरकार का राइट है। तो आप समझ सकते हैं कि लोग इससे इतना परेशान क्यों है इस बिल से। वैसे तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी ने कहा है कि ही इज कमिटेड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स, वो पूरी कोशिश करेंगे कि डिपॉजिटर्स को उनके राइट्स मिल सकें। लेकिन ये तो
पॉलिटिशियन की तरह घुमा फिरा के बातें करी गई हैं, कुछ कंक्रीट स्टेप्स नहीं बताए गए हैं कि वो क्या किए जाएंगे। तो इस बिल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए एक पेटिशन जारी की गई है जिस पे ऑलरेडी 1 लाख से ज़्यादा सिग्नेचर्स आ चुके हैं। तो मैं कहूँगा आप भी उस पेटिशन को साइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसकी लिंक दूंगा और टॉप कमेंट में भी उसकी लिंक होगी। उस पेटिशन को साइन कीजिए ताकि आपका पैसा आपके कंट्रोल में रह सके, ना कि सरकार के कंट्रोल में, आपका भरोसा ना टूटे बैंकों से, आपकी सेविंग से। और अगर आपको लगता है ऐसा तो कभी होने ही नहीं वाला, सरकार ऐसा बिल क्यों पास करेगी, लोग ही उन्हें वोट देना बंद कर देंगे और लोगों को बहुत गुस्सा आएगा, तो भूलिए मत एक डीमोनिटाइजेशन भी हुआ था और इसी साल मार्च में एक फाइनेंस बिल पास हुआ था जिससे कि करप्शन लीगलाइज हो गया था। आप उस बिल को पढ़ के सोचेंगे कि ऐसा बिल कैसे पास हो सकता है, लेकिन वो हो गया, वो लॉ बन चुका है। अब मैंने इस वीडियो में उसके बारे में समझा रखा है, आप जाके देख सकते हैं। तो इसलिए इस पेटिशन को साइन कीजिए और अपने दोस्तों फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए ताकि हर हिंदुस्तानी तक ये पेटिशन पहुंचे और उन्हें भी पता लगे कि ये सरकार पीछे पीछे से करती क्या रहती है। हमारा मीडिया तो वैसे भी इन चीज़ों को कभी दिखाता ही नहीं है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और ऐसे ही अवेयरनेस रिलेटेड वीडियोज़ और देखने हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। हम मिलेंगे अगले वीडियो में फिर। धन्यवाद।